Good morning, students. In this video, we are going to start the new chapter, that is chapter number 7, triangles. So triangles, you have studied in previous classes about triangles. Triangle मान के चलिए पहले आपको पिछला बताते हैं. Triangle है, this is a triangle ABC. So you know that a triangle क्या-क्या होता है? Triangle number first has three sides, second three vertices, third three angles, और आप कह सकते हैं triangle has six parts. Six parts means three sides and three angles, इनको मिला के that is called parts. ये तो आपने पढ़ा है पिछले क्लासों में. सो अ ट्रायंगल, अगर आपने बताना है, हमने जो पढ़ना है बच्चों इस वक्त वो है कॉनग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स. कॉनग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉनग्रेंस पहले हम पढ़ेंगे. कॉनग्रेंस, कॉनग्रेंट क्या होता है, कॉनग्रेंट इसके बारे में बताते हैं, फिर हम कॉनग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स पर चलते हैं. मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में जाते हैं, अगर एटीएम इशू कराते हैं किसी भी बैंक का, पीएनबी का, कोई भी बैंक, अपना बैंक का, सेम बैंक होना चाहिए. जब वो एटीएम इशू कराते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं, एटीएम बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, इस तरह से आइडेंटिकल. तो ये दोनों एटीएम्स अगर आप एक एटीएम को दूसरे पर प्लेस करेंगे तो वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. सिमिलरली अगर आप 1 रुपी, ये एटीएम था, अगर आप 1 रुपी कॉइन लेंगे, 1 रुपी कॉइन के ऊपर आप एक और 1 रुपी कॉइन रखेंगे, 1 रुपी कॉइन के ऊपर एक और 1 रुपी कॉइन रखेंगे, तो वो उसको एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा और आप देखेंगे कि आपको नीचे रखी वाली कॉइन दिखाई नहीं देगी, आपको ऊपर वाली कॉइन, दैट मीन्स उसने इसको एग्जैक्टली कवर कर दिया, सुपर इम्पोज हो गए, तो दैट मीन्स दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल. इसी तरह से अगर हम बैंगल्स ऑफ सेम साइज की होंगी, बैंगल्स ऑफ सेम साइज, तो वो भी अगर आपस में आइडेंटिकल होती है, सेम साइज की होंगी, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, तो जो भी होता है दैट इज, वो भी उनको हम आइडेंटिकल कहेंगे, दे आर आइडेंटिकल. अब आपने देखा कि जो आइडेंटिकल का वर्ड का मतलब क्या होता है कि वो सारी कॉनग्रेंट है. कॉनग्रेंट मीन्स जो हर रेस्पेक्ट में इक्वल होंगी. सच फिगर्स, हम कह सकते हैं उसको कि सच फिगर्स, कॉनग्रेंट मीन्स विच आर ऑल द रेस्पेक्ट्स इक्वल, जिनकी शेप और जिनका साइज सेम होगा. सो कॉनग्रेंट मीन्स जिनका शेप एंड साइज इक्वल होगा, उनको हम कहेंगे कॉनग्रेंट. तो अगर हम बात करेंगे, पहले एक दो लाइन सेगमेंट्स हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास है 4 सेंटीमीटर वाली एक लाइन सेगमेंट ए बी और दूसरी है पी क्यू, ये भी 4 सेंटीमीटर वाली है, तो इन दोनों को हम कहेंगे कॉनग्रेंट. सो ए बी हमारा इक्वल है पी क्यू के बराबर, तो ये कॉनग्रेंट कहलाई जाएगी, बिकॉज इनकी लेंथ इक्वल है. सो टू लाइन सेगमेंट्स आर सेट टू बी कॉनग्रेंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ. इसी तरह से अगर हमारे पास दो एंगल है, मान लीजिए एक एंगल ए बी सी, ये आपका मेजर इसका है 45 डिग्री, और दूसरा आपका पी क्यू आर है और इसका मेजर भी है 45 डिग्री, तो एंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी बराबर आ गया मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, दैट मीन्स टू एंगल्स हम कह सकते हैं ये कॉनग्रेंट हो गए. सो टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉनग्रेंट इफ दे हैव सेम मेजर, अगर उनका मेजर सेम होगा. चलिए थर्ड पर चलते हैं. अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल जो हमने चैप्टर का टॉपिक पढ़ना है, कॉनग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, कॉनग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, कॉनग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स,
तो दो ट्राइंगल तभी कॉन्वेक्स होंगे जब उनका शेप और साइज इक्वल होगा। सो ए बी सी पी क्यू आर अगर दो ट्राइंगल है, अगर दोनों का शेप, दोनों ट्राइंगल है तो शेप तो ट्राइंगल है दोनों का, और लेकिन साइज भी बराबर होना चाहिए। तो हैविंग टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्वेक्स, सो कॉन्वेक्स टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। अगर दोनों का शेप और साइज सेम होगा तो उनको हम कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। सो दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट।